हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ लोकेंद्र नागर, गेस्ट फैकल्टी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बारा। इस वीडियो लेक्चर में हम सब्जेक्ट को 307 का टॉपिक CPM यानी क्रिटिकल पाथ मेथड डिस्कस करेंगे, यानी इसके कुछ रूल्स देखेंगे। CPM का यूज़ किया जाता है जनरली शेड्यूलिंग टेक्निक से ही है, और शेड्यूलिंग टेक्निक्स किसके लिए यूज़ की जाती है? प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के लिए, यानी प्रोजेक्ट की विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ को किस क्रम में हमें संपन्न करना है या फिर किस क्रम में हमें एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट होता क्या है। इसमें एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ होती है, यानी विभिन्न डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कार्य हो सकते हैं, जो क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, यानी एक्टिविटीज़ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, आर टू बी एग्जीक्यूटेड इन देयर ऑर्डर फॉर कंप्लीशन ऑफ टाइम। जिस प्रकार की, जैसे कि हम मान लो कोई घर बनाते हैं, तो घर बनाने में सबसे पहले हमें नींव खोदनी पड़ेगी, नींव खोदने फिर उसमें दीवार खड़ी होगी, प्लास्टर होगा, पुट्टी होगी, वो सब काम होगा। तो ये वो क्या, एक विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ है जो किसी न किसी क्रम में हमें व्यवस्थित करनी होती है। इस जैसे इस प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम में हमने दिखाया है कि ये ABCDE ये एक्टिविटीज़ हैं, और ये जो 1 2 3 4 5 है ये क्या है, नोड है। एक्टिविटीज़ जनरली क्या होती है, कोई भी काम है जो क्या होता है, हमारे रिसोर्सेस और टाइम को कंज्यूम करता है। इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ए है, और इसको तीर के निशान के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये DIJ ये क्या है, ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, यानी उस एक्टिविटी को पूरा होने में कितना टाइम लगा। I और J हमें क्या कहलाते हैं, इवेंट कहलाते हैं। इवेंट क्या होता है, कोई भी एक्टिविटी कब स्टार्ट और फिनिश होगी वो इवेंट कहलाएंगे। यानी कि कोई भी एक्टिविटी को संपन्न होने के लिए दो नोड की जरूरत पड़ेगी, या दो इवेंट की जरूरत पड़ेगी, I और J। इवेंट डू नॉट कंज्यूम एनी टाइम और रिसोर्सेज, यानी कि इसमें टाइम और रिसोर्सेज कंज्यूम नहीं होंगे, ये हमें सिर्फ एक्टिविटी को प्रदर्शित करने के लिए करना पड़ेगा। इस जैसे इस नेटवर्क डायग्राम में हमने देखा है ABCDE ये एक्टिविटीज हमारे पास, यहाँ लिखा है कि ए इज प्रीसीडेसर ऑफ BND, यानी कि एक्टिविटी नंबर ए है वो ख़त्म होने के बाद बी और डी एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती है, उसके पहले नहीं। उसी प्रकार बी इज प्रीसीडेसर ऑफ सी, यानी कि एक्टिविटी बी के ख़त्म होने के बाद ही एक्टिविटी सी को स्टार्ट होना है, और ए इज़ इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, यानी कि एक्टिविटी नंबर ए से प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। इसके बाद देखते हैं रूल टू ड्रॉ द प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम। पहला रूल है, देयर शुड बी एरो फॉर एवरी एक्टिविटी, जो कि जैसा कि हमने पहले भी देखा है, रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक्टिविटी को एरो का यूज़ करते हैं। यहाँ देख लीजिए, सभी एक्टिविटीज़ एरो से रिप्रेजेंट की गई है। एवरी एक्टिविटी शुड बी स्टार्टेड एंड एंड नोड, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि आई और जे ये क्या है, हमारे नोड या फिर इवेंट। प्रोजेक्ट शुड बी फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, इसका मतलब ये है कि यानी ये तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलेगा वो प्रोजेक्ट, कि वापस घूम कैसे, लूपिंग नहीं होगी इसमें। रूल नंबर 4, टू एक्टिविटी शुड नॉट हैव कॉमन स्टार्ट एंड एंड पॉइंट, जैसा कि हमने देखा है एक्टिविटी और प्रीसीडेसर, यानी कि ये तो क्या है, एक्टिविटी है, और ये क्या है इसका, इसके पहले वाली एक्टिविटी है। तो ए और बी एक्टिविटी में क्या है, इसके पहले कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही, इसका मतलब ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। और सी क्या है, डिपेंडेंट एक्टिविटी किसके हैं, ए और बी के, यानी कि ए बी किसके प्रीसीडेसर है, सी के। अब देखो, यदि हम इसमें इस चित्र में दिखाया गया है कि इवेंट नंबर एक से ए और बी एक्टिविटी स्टार्ट होती है, ये एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी स्टार्ट हो गई, उसके बाद सी एक्टिविटी कब स्टार्ट होगी, जब ए और बी ख़त्म होगी। अब ए और बी को क्या किया, एक पॉइंट पे ख़त्म करके सी पर, सी को स्टार्ट किया, लेकिन ये क्या है, हमने जो इसके पहले वाला रूल पढ़ा था, यानी कि कोई भी एक्टिविटी एक ही इवेंट से ख़त्म और एक ही इवेंट पर स्टार्ट नहीं हो सकती है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये रूल ब्रेक हो गया। इसका मतलब ये क्या है, करेक्ट नेटवर्क डायग्राम नहीं है। उसके लिए अपन क्या करते हैं, डमी एक्टिविटी का यूज़ करते हैं। जैसे कि देखो, 1 2 3 4 यानी कि एक्टिविटी नंबर ए और एक्टिविटी बी, अब यदि इन दोनों को एक ही पॉइंट पर ख़त्म करेंगे तो वापस क्या होगा, रूल ब्रेक हो जाएगा। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इस डमी एक्टिविटी का यूज़ करते हैं, तीर में डैश लगा के अपन इसको क्या करते हैं, डमी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर उसके बाद अपन इवेंट नंबर सी को, सॉरी एक्टिविटी नंबर सी को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। इसी को हम इस तरीके से भी डिपेंड करते हैं, यानी कि एरो किस जगह पे लगाना है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे हम।
अब डमी एक्टिविटी क्या होती है? डमी एक्टिविटी इमेजिनरी एक्टिविटी होती है, यानी कि ना तो टाइम कंज्यूम करेगी और ना ही हमारे रिसोर्सेस कंज्यूम करेगी। देयर शुड, अगला रूल है, देयर शुड बी नो लूपिंग अलाउड इन नेटवर्क डायग्राम। लूपिंग का मतलब ये है कि घूम फिर के अपन वापस उसी फ्लो में आ रहे हैं, जैसे कि वन फिर इधर गया, फिर इधर, फिर इधर और फिर इधर, यानी कि ये क्या हो गया, एक लूप बन गया ये, तो ये क्या है, अलाउ नहीं है। क्योंकि इसके बाद क्या होगा, प्रोजेक्ट यहीं पे घूमता रहेगा और इसका कोई एंड नहीं होगा। छठा रूल है, देयर शुड बी नो डेंगलिंग इन द नेटवर्क डायग्राम। जैसे कि मान लो ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6, अब एक्टिविटी है ए बी सी डी ई एफ और ये जी, लेकिन ये सब एक्टिविटी तो एंड हो रही है, लेकिन इस एक्टिविटी का एंडिंग कोई पॉइंट दिया नहीं हुआ है, तो अपन क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं इसे, जब कोई भी लास्ट एक्टिविटी हुई, यानी कोई भी लास्ट वाले इवेंट पर जो एक्टिविटी कंप्लीट होती, ख़त्म हुई होती है, तो वहाँ तक अपन इसको बढ़ा देते हैं। इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे।